रहीम। तमाम बिरादरान इस्लाम को ईद उल अज़हा के मौके पर पुरखलूस मुबारकबाद। मोहतरम हजरात, ईद उल अज़हा के पैगाम में वहदत इस्लामी और भाईचारगी का पैगाम पोशीदा है। जो लोग इस्तेआत रखते हैं वो इस मौके पर अल्लाह के घर काबतुल्लाह के हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं और आलम इंसानियत को वहदत का, इत्तेहाद का एक बड़ा सबक देते हैं। वैसे इस्लाम की तमाम इबादतें भाईचारगी और वहदत का दर्स देती हैं, लेकिन बिलखसूस ईद उल अज़हा ये बैनुल अक़वामी सतह पर एक अज़ीमुश्शान पैगाम देती है। बिरादरान इस्लाम, ईद उल अज़हा के मौके पर सिर्फ जानवर की कुर्बानी देना ये मतलूब नहीं है, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो पैगाम आलम इंसानियत को दिया गया था उसके तकाज़ों की तकमील मतलूब है। हम जानवर की कुर्बानी देते वक्त इस एहसास से सरशार हों कि हम अपने दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक को परवान चढ़ाएंगे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवा मुबारक पर अमल करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम के गलबे के लिए अपनी हर दिल अजीज चीजें कुर्बान की, हत्ता कि अपना लखते जिगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से भी पसोपेश नहीं किया। तो इस ईद उल अज़हा के मौके पर हम अपने जानवर की गर्दन पर छुरी चलाते वक्त ये एहसास और ये जज्बा अपने अंदर पैदा करें कि अल्लाह के दीन के गलबे, उसकी तबलीग और इशाअत के जरिए जो कुर्बानियां दरपेश होंगी, हम अपनी हर दिल अजीज चीजें, जान से अजीज चीजों को भी इंशाअल्लाह अल्लाह के इस दीन के लिए कुर्बान करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। मैं इस मौके पर एक बार फिर तमाम बिरादरान इस्लाम को ईद उल अज़हा की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ।